हे गाइस, टुस्टा एनिमे पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं और नारुतो बात करने वाले हैं टॉप 10 लाइट हार्टेड एनिमे के बारे में। एंड ये वीडियो हम दीपावली के दिन ही डालने वाले थे, बट हमारी रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई थी क्योंकि इतने शोर शराबे हो रहे थे। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफी अच्छी खासी एनिमे रिकमेंडेशन मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लगा देते हैं इंट्रो और करते हैं वीडियो स्टार्ट। आंखें खुली मेरी, टक से आ जाऊं मौत को छूकर। तू लिखता कागज पे ब्रो, नो डाउट मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर। तो यार, 10वें नंबर पे दगाशिकाशी, ये एक कुकिंग स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। इसकी टोटल 24 एपिसोड्स है एंड इसकी रेटिंग 6.6 की है। अगर तुम्हें फूड वॉर्स पसंद आया था तो ये एनिमे एंजॉय करने वाले हो, जिसमें खाने को एक यूनिक कॉमेडी स्टाइल में दिखाया गया है। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है शिकाडा दगाशी शॉप पे, जो कंट्री साइड का एक बहुत पुराना स्वीट एंड स्नैक शॉप है, जिसे शिकाडा फैमिली चला रहा है 9 जनरेशन से। बट अपना मेन कैरेक्टर कोकोनोत्सू को ये काम नहीं पसंद। इंस्टेड उसे मांगा बनना है, बट उसका बाप चाहता है कि शॉप को वही इनहेरिट करे। अब यही एंट्री होती है होतारो शिदारी की, जो इस शॉप को विजिट करती है ये होप करते हुए कि यो यानी कोकोनोत्सू का बाप को अपने स्नैक्स कंपनी में रिक्रूट कर पाए। बट ट्विस्ट तब आता है जब यो चैलेंज देता है शिदारी को कि कोकोनोत्सू यो की शॉप को इनहेरिट करे एंड दस मेक्स ए बॉन्ड विद दैट शॉप। इस एनिमे पर तुम्हें इंटेंस स्लाइस ऑफ लाइफ के साथ साथ खाने की वैरायटी मिलेगी एंड कॉमेडी आपका सैडनेस को फटाक से दूर कर देगा। तो इसे जरूर से देखना, ये एक मस्ट वॉच है। 9वें नंबर पे है वोताकोई, लव इज हार्ड फॉर ओताकू। तो जब मैंने इस एनिमे को देखना स्टार्ट किया था, तब मुझे ये एनिमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि ये एनिमे हम ओताकूस के ऊपर ही बेस्ड है। तो इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है नारुमी नाम की लड़की से, जो कि एक ओताकू होती है एंड वो कई सारे कॉस्प्ले एनिमे एंड गेम्स खेला करती है। एंड उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते हैं, लेकिन उसके एक बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम होता है हीरो ओताका, और वो नारुमी की सभी चीजों में हेल्प करता है क्योंकि वो भी ओताकू होता है एंड वो उसे लाइक भी करता है, बट वो अपने दिल की बात नहीं बता पाता है और नारुमी भी उसे डेट नहीं करती है क्योंकि वो उसके टाइप का नहीं है। एंड नारुमी जिस कंपनी में जाती है जॉब करने के लिए, वहाँ पर उसे पता चलता है कि हीरो ओताका भी वहीं पर जॉब करता है। अब वो नहीं चाहती कि उसके ओताकू होने के बाद किसी को पता चले, क्योंकि उसे कंपनी में कोई उससे दोस्ती नहीं करेगा, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इस बात का पता नहीं चलने देता है और जब भी उन्हें ब्रेक टाइम मिलता है उसमें भी वो दोनों गेम खेलते हैं। एंड नारुमी एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है जिसके साथ वो डेट कर सके और उसके साथ एंजॉय कर सके, और तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्यों ना हम ही दोनों डेट करें और मैं तुम्हारी सभी चीजों में हेल्प भी करूंगा। और इस बात को सुनकर नारुमी डेट के लिए तैयार हो जाती है। तो यार, ये एनिमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इस एनिमे में दो ओताकू के बीच में कैसे रोमांस होता है ये देखकर तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। तो इस एनिमे की रेटिंग 7.9 की है एंड इसमें आपको स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी रोमांस देखने को मिल जाएगा। 8वें नंबर पे नॉन नॉन ब्यूटी, इसके टोटल 24 एपिसोड्स है एंड इसकी रेटिंग 8 की है, और ये एक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। इसकी स्टोरी कंट्री साइड की है, जहाँ के लोगों के पास सिटी जैसी सुविधा नहीं होती और लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है कन्वीनियंस स्टोर के लिए। अब यहाँ होता है एक लोकल स्कूल जिसमें बस 5 बच्चे हैं और सब अलग अलग ग्रेड्स में है, लाइक एलिमेंट्री स्कूल एंड मिडिल स्कूल। तभी होतारू इचिजो, एक 5th ग्रेड की लड़की, ट्रांसफर होती है इसी स्कूल में। अब कैसे होतारू कंट्री साइड लाइफ को अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ मजेदार तरीके से एक्सप्लोर करेगी, ये देखकर आप लिटरली अच्छा फील करोगे। और गलती से भी इस एनिमे को स्किप मत करना, ओनली लड़कियों को देखकर काफी अच्छा एनिमे है और आपको लिटरली बहुत अच्छा फील करवाएगा और एंजॉय भी आप करने वाले हो। 7वें नंबर पे है काकोशी गोतो। इस एनिमे में आपको कॉमेडी काफी अच्छी देखने को मिलेगी एंड ये एनिमे 2020 में ही रिलीज हुआ है। तो इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से, जो कि एक इरोटिक मांगा आर्टिस्ट होता है एंड वो काफी ज्यादा फेमस भी होता है अपने पूरे टाउन में, और उसके बारे में मोस्टली सभी लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी का जन्म होता है, वो अपने आप से एक प्रॉमिस करता है कि वो इस बात का पता नहीं चलने देगा अपनी बेटी को कि वो एक इरोटिक मांगा आर्टिस्ट है। अब उसके बेटी से कोई पूछता है कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता। अब इस बात को सीक्रेट रखने के लिए वो कई सारे पैतरे अपनाता है, जिसमें आपको कॉमेडी काफी अच्छी देखने को मिलेगी एंड अपना मेन कैरेक्टर काकोशी इतना ज्यादा फेमस होता है कि उसकी बेटी के क्लास टीचर्स भी उसकी फैंस होती हैं। और काकोशी कब तक अपनी बेटी से इस बात को सीक्रेट रख पाता है, ये भी तुम्हें देखने पर काफी इंटरेस्ट आएगा। तो इस एनिमे की रेटिंग 8 की है एंड इसमें आपको स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा एंड शोनन देखने को मिल जाएगा। तो यार, 6वें नंबर पे हिमोतो उमारू चैन, इसके टोटल 2 सीजन एंड कुछ स्पेशल एपिसोड्स है एंड ये भी कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है, जिसकी रेटिंग 7.2 की है। इसकी स्टोरी उमारू दोमा पे है, जो एक ब्रिलियंट हाई स्कूल स्टूडेंट होती है, इनफैक्ट एकेडमिक स्पोर्ट्स सब में टॉप होती है। बट इसका एक और साइड है जो आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं पता होता एंड दैट इज बीइंग ओटाकू,
बेसिकली ये घर पे एक हार्डकोर ओटाकू होती है जो अपने बड़े भाई ताहे के साथ रहती है। अब इसका भाई जॉब भी करता है तो तुम समझ ही लो कि एक अपार्टमेंट में ओटाकू के साथ रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। इवन उसकी बहन इतनी ज्यादा आलसी होती है कि घर पहुंचने पर एक बच्चे के साइज की हो जाती है और यही इसका कॉमिक पार्ट है। अब कैसे उमारू अपने ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी के साथ दोस्त एंड ओटाकू लाइफ को जीती है, लिटरली आपके चेहरे पर एक स्माइल जरूर आएगी। पांचवें नंबर पे है वन वीक फ्रेंड। इस एनिमे की स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी है एंड 12 एपिसोड में आपको काफी अच्छी एनिमे देखने को मिल जाएगी। तो इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है काओरी नाम की लड़की से जिसके कोई भी दोस्त नहीं होते हैं एंड वो कोई दोस्त बनाना भी नहीं चाहती एंड अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे अवॉइड करती है एंड वो उससे दूरी बना कर रखती है, जिसकी वजह से काओरी बिल्कुल अकेले रहती है एंड उसे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। अब उसे एक लड़का लाइक करता है जिसका नाम होता है यूकी एंड वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार काओरी उससे पीछा छुड़ा लेती है, लेकिन फिर भी यूकी हार नहीं मानता है, वो पीछे लगा होता है उससे दोस्ती करने के लिए एंड धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगती है। लेकिन कुछ दिनों बाद काओरी आती है और बोलती है कि तुम उससे दूर रहा करो क्योंकि हर हफ्ते बाद उसकी मेमोरी रिसेट हो जाती है एक्सेप्ट हर पेरेंट्स। अब इस बात को सुनकर यूकी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड वो काफी ज्यादा सोचने लगता है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है एंड पहले तो इस बात को वो सीरियस नहीं लेता है, लेकिन अगले ही मंडे काओरी सारी चीजें भूल जाती है एंड वो किससे मिली, किससे साथ दोस्ती हुई, ये सारी बातें भूल जाती है। और आगे आपको देखने पर ये इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे अपना मेन कैरेक्टर हर हफ्ते उससे दोस्ती करता है एंड कैसे उसकी हर हफ्ते दोस्ती टूट जाती है। तो इस एनिमे को जरूर देखना, ये एनिमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इस एनिमे की रेटिंग 7.5 की है और इसमें आपको स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस एंड कॉमेडी देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर पे स्कूल बेबीसिटर्स, इसकी रेटिंग 7.8 की है और इसके टोटल 12+1 एपिसोड्स है। पहले ही बता दूं इसके नाम पे मत जाना और ये एनिमे म्यूज एशिया पे अवेलेबल है तो वही जाके इसको देखना। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि रियुची काशिमा एंड उसका छोटा भाई कोतारो अपने पेरेंट्स को खो देता है एक एक्सीडेंट में जिसके वजह से वो अनाथ हो जाते हैं। बट उसी टाइम मोरिनोमिया एकेडमी की चेयरवुमैन दोनों भाई को अडॉप्ट कर लेती है और इस चेयरमैन का फैमिली भी सेम एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब चेयरवुमैन रियुची को एक कंडीशन देती है कि रियुची को डे केयर सेंटर में काम करना होगा जहां सब छोटे छोटे बच्चे हैं रियुची के स्कूल एंड रहने का फीस के बदले। अब सोच रहे होंगे बच्चे थोड़ी देखने आए हैं यार, सो इस एनिमे में हमारा चाइल्डहुड इन बच्चों के थ्रू इतना अच्छे से दिखाया है कि आप कभी खुश कभी इमोशनल होते रहोगे एंड जहां दोनों भाई की फैमिली नहीं है वही रियुची एंड कोतारो की बॉन्डिंग काफी सूदिंग लगेगी। ये एक मस्ट वॉच है और वन ऑफ माय फेवरेट है तो इसे जरूर से देखना। और इस एनिमे में बहुत सारे सूदिंग मोमेंट्स है बच्चों से रिलेटेड तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये एक अनकॉमन एनिमे लेकिन एक मस्ट वॉच है। तीसरे नंबर पे हो सागी ड्रॉप्स। ये एनिमे काफी ज्यादा लाइट हार्टेड एनिमे है एंड इसे देखने के बाद आपको काफी अच्छा फील होगा। तो इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है दाइकिची नाम के लड़के से जो कि एक बैचलर होता है एंड वो अपने घर पर अकेला रहता है एंड उसके पास कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं होता है, वो बस अपने खर्चे निकालने के लिए कुछ काम कर लेता है एंड एक दिन उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और वहां पर सभी उसके घर वाले पहुंचते हैं एंड दाइकिची भी वहां पर पहुंचता है। अब वहां पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था जो कि काफी ज्यादा क्यूट एंड छोटी है एंड सभी घर वाले उस लड़की को हेट करने लगते हैं और काफी अजीब अजीब बातें करते हैं एंड उस डेथ सेरेमनी के खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं और कोई भी उस लड़की को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है एंड सभी अपना अलग अलग बहाने बनाते हैं उसको ना ले जाने के एंड तभी अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी एंड वो लड़की उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे इस एनिमे में आपको देखने पर ये इंटरेस्ट आएगा कि कैसे अपना मेन कैरेक्टर बैचलर होते हुए भी उस लड़की का ख्याल रखेगा एंड उसे किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस एनिमे को जरूर देखना, इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी खासी है, 8.4 की रेटिंग है एंड इसमें आपको जोसे एंड स्लाइस ऑफ लाइफ देखने को मिलेगा। तो यार दूसरे नंबर पे बैड एकमॉन, इसकी रेटिंग 8.4 की है एंड इसके टोटल 24 एपिसोड्स है और ये एक शोनेन स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी एनिमे है। अगर तुम इस मास्टरपीस को छोड़ते हो देन यू आर मिसिंग अ जेम हियर। इसकी स्टोरी शिशु हांदा पर है, ये एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर होता है जो अपने एज के हिसाब से बहुत यंग है। अब एक बहुत एक्सपीरियंस क्यूरेटर हांदा को बोलता है कि उसका वर्क काफी अनओरिजिनल है। ये सुनकर हांदा गुस्सा में उस क्यूरेटर को पंच मार देता है जिसके वजह से हांदा का बाप उसे गोतो आइलैंड भेजता है जो क्योशो के पास है जहाँ काफी सारे रंग बिरंगी विलेजर्स होते हैं एंड वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए खुद का ओरिजिनल खोजने निकल पड़ता है। कैसे इन सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए नई नई चीजें सीखता है ये सब देखकर आप बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करोगे। इनफैक्ट डिप्रेशन से भी निकलने के लिए ये बेस्ट एनिमे है।
और पहले नंबर पे आता है किमी तो बोकू। ये एनिमे पूरी तरीके से फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है एंड इसकी स्टोरी लाइन भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो ये एनिमे पांच दोस्तों के ऊपर बेस्ड है जिनका नाम होता है यूकी, यूता, कनामे, सू एंड चिजरू। मिजुहारा नहीं, हाँ ये चिजरू अलग है, इसका नाम होता है चिजरू ताचीबाना। अब इसको रूही ताचीबाना मत समझ लेना। एनीवेज बात करते हैं अपने स्टोरी पर। तो इसमें आपको इन पांचों के ऊपर पूरी तरीके से कहानी दिखाई जाएगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है। एंड अगर इसमें से कोई भी फ्रेंड्स अगर अकेला पड़ता है या फिर उसे किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो ये चारों उसकी मदद जरूर करते हैं। अब उसमें से जो यूकी नाम का बंदा होता है वो इतना ज्यादा एक्सपर्ट होता है सारी चीजों में कि उससे कोई भी स्पोर्ट खिला दो उसमें वो परफेक्ट करता था। लेकिन उसने किसी भी क्लब को ज्वाइन नहीं किया था अभी तक। अब उसे किसी भी क्लब को ज्वाइन कराने के लिए उसके चारों दोस्त लगे होते हैं कि किसी भी क्लब को ये ज्वाइन कर ले। एंड उसे कनामे कई बार फोर्स करता है कि तू इस वाले में जा, उस वाले क्लब में जा, लेकिन वो जाता है किसमें, मांगा वाले क्लब में। अब आगे इसमें और भी कई सारे पार्ट्स है जिसमें आपको देखने पर काफी ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि कनामे अपने टीचर को एक लाइक करता है वो भी बचपन से, और उसके पीछे भी वो कई सालों से पढ़ा होता है, और उन पांचों के लाइफ में जो जो चीजें होंगी इस चीज को देखकर आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा एंड कई सारी चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। एंड इसकी रेटिंग 7.7 की है और इसमें आपको स्लाइस ऑफ लाइफ, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही ऑसम एनिमे है। तो यार होप सो तुम सबको ये लाइट हार्टेड हार्ट वार्मिंग एनिमे लिस्ट पसंद आई होगी। तो यार मिलते हैं किसी और दिन किसी और दमदार एनिमे लिस्ट के साथ। तब तक के लिए सायो नाड़ा।